चलिए आज देख लेते हैं कि फ्लाइंग स्पिनर फायरवर्क वो कैसे होता है। इसे थाई गैरेंडुला कहते हैं, पता नहीं गैरेंडुला का मतलब क्या है, पर इसे स्पिनर आप कह सकते हैं। ये स्पिन करके ऊपर उड़ जाएगा। तो इसे कैसे बनाते हैं पहले देख लेते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए। पहले तो ये ट्यूब चाहिए, ये 3 इंच का लेंथ है मेरे, मैंने लिया 3 इंच। और इसका कोर है अप्रॉक्स 1/4 इंच। ये जो थिकनेस है पेपर का, इस पेपर का थिकनेस मैंने करीब 2.5 mm रखा, 2.5 mm, हाँ 2.5 mm की थिकनेस है। इसे क्या करेंगे, इसका डायग्राम मैं आपको पूरा समझा दूंगा अभी। तो कि मसाला बीच में रहेगा, दोनों साइड क्लियर आएगा तो मसाला बीच में रहेगा। तो जब हम एक साइड पे छेद करेंगे तो मसाला सिर्फ उस छेद से निकलेगा, दोनों साइड से नहीं, ठीक है। और फिर इसे इस तरह से कुछ सेट करने के, हॉट ग्लू की मदद से, सॉरी मैं इसे इसके साथ ऐसे अटैच कर दूंगा हॉट ग्लू की मदद से। मेरे पास जो ग्लू गन था वो ख़राब हो गया, इसलिए मैं इसी तरह से दिखा रहा हूँ, पर आप ग्लू गन से आराम से इसे बहुत ही तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल बीच में लगाना सबको बीच में से सिखाना और दोनों तरफ बड़ा बड़ा चाहिए ताकि बैलेंस अच्छा हो, ये अच्छी तरह से सही तरीके से घूम के ऊपर। अगर ये ठीक से नहीं बीच में नहीं रहेगा तो ठीक से घूमेगा नहीं और फिर अंदर चला जाएगा। तो इसलिए आपको एकदम सही उस बीच में सेट करना रखिए, सीधा रहे, बिल्कुल सीधा रहे। ना अभी हम इस लॉन्च गाइड ग्लू से ऊपर गाइड करेगा सीधे, इसे इस तरह से एकदम बीच में इसे लगाएंगे हॉट ग्लू से। इसमें हम एकदम सीधे गाइड करने के लिए, जो देखिए ये जो हमारा स्पिनर है वो रेडी है। ये इसका लॉन्चिंग पैड, इसके ऊपर इस तरह से कुछ इस तरह से दिखेगा और इस तरह से घूम के ऊपर चला जाएगा, देखिए बहुत ही आसानी से घूम रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसके इस साइड पे 20 डिग्री एंगल, इसके इस साइड पे दोनों साइड किसी एक साइड पे 20 डिग्री एंगल पे चेक कर लेंगे। थोड़ा बीच की तरफ देखिए, पहले हम ये है सेंटर से एक लाइन बराबर एक लाइन खींच लेंगे यहाँ से, ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है सबको पता है। तो हम क्या करेंगे इसके 20 डिग्री अप्रॉक्स 20 डिग्री, ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा होगा तो उससे घूमता ही रहेगा ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा क्लोज, जो स्ट्रेट लाइन है उसके थोड़ा सा क्लोज, बस थोड़ा सा इस यहाँ एक छेद करेंगे कि अब थोड़ा बीच में बीच की तरफ करना है तो बैलेंस अच्छा रहे। तो इसलिए मैं 80 डिग्री इधर करूँ, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँगा कि हाँ किस तरह से ये पॉइंट ऑफ केयर कैसे इसे किया, ठीक है। देखिए ये इस एंगल पे, देखिए ये स्ट्रेट लाइन से 20 डिग्री एंगल पर मैंने इसे चेक कर दिया। अभी ये रेडी है ऊपर जाने के लिए। ठेटे जाए दुम गुड़े প্লাস্টিকের দড়িটা লাগছে।